मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे, जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए। उसके लिए मैंने लिया है एक बैंगन और ये हरी मिर्च और टमाटर और एक आलू और ये है चुकंदर, ये है अदरक का एक पीस। इनको मैंने पहले धो के रखा है और अच्छी तरह से सुखाया है। इन सब्जियों को हम पहले कट करेंगे, ऐसे डालेंगे, इससे ये भी देखेंगे कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है इस बैंगन के अंदर। इसको मैंने 5-6 कट डाले हैं और ऐसे देख लेंगे कि कीड़ा तो नहीं है, नहीं है। अब सब चीज़ों को मैं ऐसे ही कट डालूंगी एक एक, तो ये छोटे बच्चे बच्चे हैं इनमें एक एक कट डालूंगी। ये आलू है, इसको भी मैंने धो के रखा था और सुखाया, इसको भी 2-3 कट मारेंगे ऐसे। अब हम इनको पहले ऑयलिंग करेंगे। मैंने ये ऑयल लिया है 1 स्पून, आप हाथ से भी लगा सकते हैं या ब्रश की मदद से ऐसे इनको ऑयलिंग करेंगे। हाथ से भी करेंगे, हाथ में ऐसे तेल उठाया और ऐसे लगा लिया। ये सरसों का ऑयल है, इससे इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका छिलका इजीली उतरेगा। इनको मैंने ऑयलिंग की है सबको, अब हम इनको बुनेंगे। ये मैंने लिया है ऐसा, आपके पास हो तो, नहीं तो ऐसे भी कुछ रखना उसके ऊपर, गैस के ऊपर, तो ये चीज़ें इन पे हम बुनेंगे। गैस की फ्लेम कम रखनी है सिम पे और इसके ऊपर हम ये चीज़ें रखेंगे। ये सब चीज़ें हमने वेजिटेबल्स इस पे रख दिए हैं, गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखी है और इनको धीरे धीरे हम ऐसे पलटेंगे भी। जब एक साइड से बनेगा फिर इनको ऐसे दूसरी साइड से पलटेंगे जब तक नहीं पूरी तरह से बुन जाएंगे। ये सारी वेजिटेबल्स अच्छे से बुन गई है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इनको एक बार ठंडा करेंगे, फिर छिलका उतारेंगे इनका। कश्मीर में सर्दियों में कांगड़ी बनाते हैं, उसमें आलू रखते हैं कोयले के बीच में, तो वो ऐसे बुन जाता है और खाते रहते हैं, टेस्टी बहुत बनता है वो। ये सब्जियां ठंडी हो चुकी है, अब हम इनका छिलका उतारेंगे। ये बड़े ईजिली इनका छिलका पील हो जाएगा। इन सारे वेजिटेबलों को मैंने पील किया है, इनका सबका छिलका हमने रिमूव किया हुआ है। अब हम इसको मैश करेंगे, या तो चाकू की मदद से ऐसे ऐसे इसको करेंगे, या आलू भी है, आलू भी देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है, नहीं तो फोर्क से करना है ऐसे, नहीं तो अगर आपके पास ये पोटैटो मैशर है तो इससे भी कर सकते हैं। पूरा मैश हो चुका है, इसमें बीट रूट डाला है, इस वजह से कलर भी इसमें अच्छा आया है, अलग कलर। अब या तो इसी में हम नमक वमक डाल के खा सकते हैं, नहीं तो इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम तड़का डाल सकते हैं। अब हम इसमें तड़का डालेंगे। मैंने लिया है सरसों का ऑयल 1 स्पून, गैस ऑन करके पहले इसको गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें हींग डालेंगे, चुटकी भर हींग और जीरा 1/2 स्पून। इसको पहले अच्छे से हम फ्राई करेंगे। साथ में सरसों डालेंगे 1/2 स्पून, ये हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे 1/4 के करीब। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है इसलिए लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें ये सारी सब्जियां डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा, मैं 1 स्पून डाल रही हूँ इसमें। ये है भुना हुआ जीरा, वो 1/2 स्पून डालूंगी। ये हमने लिया हुआ है भुना हुआ जीरा है, ये भी 1/2 स्पून डालूंगी। इसको अच्छे से मैश करके थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। एंड पे इसको नारियल बूरा थोड़ा सा डालेंगे। इसको मिक्स किया, गैस को ऑफ करके डालेंगे। ये बन गया बैंगन का भरता लहसुन प्याज के बगैर ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।